हमने आपको तकलीफ यहाँ दी है, बुलाया है, इट्स विद ग्रेट प्लेजर, बहुत बहुत खुशी से कि हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही तीन सीनियर लीडर्स, बशारत साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, मंसूर साहब हैं, हमारी सारी पार्टी आज इनको वेलकम करने के लिए यहाँ प्रेजेंट है कि दे आर इंशाल्लाह जॉइनिंग अ पॉलिटिकल मूवमेंट एंड होपफुली इन द कमिंग डेकेड्स विल प्ले अ पिवोटल रोल, अ ग्रेट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट ऑफ J&K, टू द पॉलिटिक्स ऑफ J&K, टू द पॉलिटी ऑफ J&K. और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये शुरुआत है, जो ये कारवान है बदलाव का, ये अब शुरू हो चुका है इंशाल्लाह. और जिस हद तक भी कोशिश है उस हद तक हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और नेविगेट करे किसी तरीके से जो ये ट्रबल्ड वाटर्स हैं, जो मुश्किलात हैं उसके बाद. मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ इन तीनों सीनियर लीडर्स को. MLA रह चुके हैं, MLC रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कॉन्ट्रीब्यूट किया है जहाँ भी रहे हैं. हमारे लिए मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का हम सारी पार्टी के लिए, जिसलिए हम सब आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शामिल हो गए. ये था हमारा, इसलिए हमने आपको जो है तकलीफ दी. सजाद साहब मेरे कैबिनेट के कलीग भी रह चुके हैं और इमरान साहब भी रह चुके हैं. वहाँ रहकर जो हमने अंदर जूझा, कैबिनेट में बैठ के काम किया, या दिक्कतें या मुश्किलात आईं, वो सारा एक्सपीरियंस लेके, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम काम करते गए. उस पर शायद तफसील से कभी मैं बता दूंगा आपको, आज शायद उस तफसील बताने का मौका नहीं है. लेकिन फिर जब एक सिलसिला चला, कुछ सियासी नज़रियात जो हैं वो आपस में टकराने लगे, सोच टकराने लगी. मैंने उस दिन भी कहा था कि उनकी सोच बहुत ज़्यादा है, मेरी कम है, इसलिए मैं किनारा कशी करता हूँ. लेकिन उसके सियासी वजूहात होते हैं जो थे, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मुझ पर लोगों ने या अपनी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, मैंने खुश असलूबी के साथ निभाई. तफसील कभी बता दूंगा इंशाल्लाह. उसके बाद जब असेंबली तहलील हुई शायद 19 नवंबर 2018 को, मैं उन तमाम लीडरों का आज मौका मिला शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे पास आए, अपनी पार्टी के, यानी अपनी मीन्स PDP के. और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ये कहा कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे, मेरे पास आए कई बार, मुझे कहा. उनका बड़ापन था, हालांकि मैं इस लायक खुद को समझता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक उसूल की बुनियाद पर उस चीज़ को रद्द नहीं कहूँगा, मैं कौन होता हूँ रद्द करने वाला, लेकिन मैंने नकारा कि मैं इस चीज़ के खिलाफ तब भी था, आज भी हूँ, कि कोई नई पार्टी यहाँ वजूद में आए, क्योंकि हमारा वोट बढ़ता है. जो मेरा एक्सपीरियंस है ज़ाती, शायद पटनी टॉप से आगे का वोट नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारा वोट बढ़ता है. मैं ज़ाती तौर इस चीज़ के खिलाफ था, इसलिए मैंने उनकी जो ख्वाहिश थी उस पर पूरा मैंने कहा नहीं. मैंने आनंद फानंद यकायक मैंने फिर उमर साहब को ज्वाइन किया था तब, लेकिन हालात थोड़ा सा बदल गए, बहुत बदल गए. आपने मेरे इंटरव्यूज़ शायद 3 महीने से देखे होंगे, मेरे बयानात भी देखे होंगे. मैंने कल भी कहा, जहां मैं अपने साथियों के साथ मीटिंग में था, मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत खुश था वहां पे, इज़्ज़त भी थी, एहतराम भी था, ताल्लुकदारी भी थी, इंसानी रिश्ते भी थे. लेकिन जब एक सियासी जमात में इंसान जाता है, वहाँ पर आप सिर्फ अपने आराम के लिए नहीं जाते हैं. जब तक आपका जहन काम ना करे, सियासी तौर आप इस्तेमाल ना हो, डिस्कोर्स ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि कल को मुझे अपने घर में भी अपने बेटे से जवाब देना है कि भाई तुमने क्या किया या क्या कर रहे हो. तो उस सोच को लेकर, उस सूरत हाल को लेकर मेरे पिछले इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स इस चीज़ के गमाजी करते हैं, गवाह हैं कि मैंने क्यों किनारा कशी इख्तियार कर ली. विद ऑल रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु इज़ देयर, उसमें कोई शक नहीं है. अब इधर क्यों आया मैं, इधर एक वजह ये है कि आज भी हम बहुत सारे लोग थे, शायद वो अभी नहीं है हमारे साथ, या मे बी ना भी आ जाएं, बट इंसिस्ट किया हम पार्टी बनाएंगे, ये गवाह है मंसूर साहब. कई लोगों ने उस पार्टी का नाम भी लिखा, हमें भेजा, और एक आप हैरान होंगे, एक झंडा भी बना दिया कलर करके, वो भी मेरे पास है. बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि हमारा, मैं बड़ा कैंडिड हूँ, मैं बोलता हूँ,
जब भी बोलूँगा, वैसे बहुत कम बोलता हूँ, जब भी हम जलसों में जाते हैं, जब भी हम तकरीरें करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। जब आपको करने की बारी आती है तो आप उस वक्त उस पर पर्दा डालते हैं। मैंने ये चीज़ नहीं की जब मैं मिनिस्टर था, चाहे लॉ मिनिस्टर था, चाहे रेवेन्यू रिलीफ था, चाहे मैं कस्टोडियन मिनिस्टर था, मैंने वो नहीं किया। मैंने वही किया जो मैंने जलसों में कहा था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे हिम्मत दी कि मैंने कर दिया। कभी तफसील बता देंगे। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरी उस पीडीपी के कलीग्स कुछ मिनिस्टर्स थे, हमने कुछ अच्छा काम किया था जो हम कहते हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, उन्होंने हमारे खिलाफ महाजाराई की, यहाँ तक कि मेरे एक सेक्रेटरी को अपने रूम में बुला के उसको लताड़ा। ये सजाद साहब थे उस वक्त, ये मेरे पास आए, हालांकि मेरी जमात के साथ नहीं थे, कैबिनेट में थे, मेरे पास आए, मेरे साथ आए, मेरी दिलबरी की, मुझे हौसला दिया और ये कहा कि कम से कम मेरा साथ दिया कि आपने जो किया अच्छा किया, जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो चीज़ एक सिल्वर लाइनिंग होती है कि जहाँ पे आप अवाम के साथ, लोगों के साथ कोई बात करते हैं, उसके बाद जब आपको करने की बारी आती है, आप उस वक्त अपना ख्याल रखते हैं या अपनी सोच के मुताबिक वो चीज़ नहीं करते हैं। प्रॉबली दैट्स वाई आई एम हेयर दिस टाइम। हालांकि आपको मेरे से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं। अगर आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखें तो उसमें भी बहुत लीडर निकले, हक साहब, निज़ाम साहब, बेग साहब, गुलाम महीदीन सोफी साहब, अकबर लोन साहब, यो ने पी डी पी में गए थे ना तब सारे, अकबर लोन साहब, अकबर लोन साहब एन सी में गए थे, राइट? सो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू, पीपल मूव आउट ऑफ पार्टीज, ज्वाइन न्यू पार्टीज। सो वाई दिस प्रोपेंसिटी टू डिफाइन समथिंग आउट ऑफ इट? इफ समथिंग डिफाइंस टूडे पीपल कमिंग टू पी सी, देन समथिंग मस्ट हैव डिफाइंड पीपल लिविंग पी सी इन 2002। The same yardsticks would apply then and now. This is a new platform. We are trying to do, not a new platform, but this is sort of जो लोग जमा हो रहे हैं, ये पहली बार हमारी हिस्ट्री में हो रहा है कि इतने सारे लोग हर रीजन से आ रहे हैं और नेते खलू से निकले, that we will do something, we'll try to contribute. So I just hope that we all take it in the same spirit, although it's very difficult. हमारे जो हालात हैं, we become very pessimistic and negative in out all of us because halaat hi aise hain, kya kare. 22 saal public life mein reh ke, I was in my 30s when I joined, matlab when I started my public life. Achhi experiences bhi hui, buri bhi hui. Mainstream ka matlab शायद मुझे भी बहुत साल बाद पता चला कि मेन स्ट्रीम जहां पर हम हैं वो कहां। 22 साल चलने के बाद शायद मैंने कहा, आई वॉज इन माई 30s व्हेन आई ज्वाइंड मेन स्ट्रीम, व्हेन आई ज्वाइंड मतलब दिस पब्लिक लाइफ, शायद जब मैं अपने आप से सवाल करता हूं, गलतियां मेरी भी, पर आपसे भी सवाल करता हूं, 70 साल जो हमने बुलंद बांग दावे किए, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक कुछ हासिल हुआ? नथिंग। लिया हमसे गया जो भी नारे हमने दिए, जितने भी नारे हमने दिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नारे दिए, हासिल कुछ नहीं था, मतलब हमसे लिया गया, दिया कुछ नहीं। तो जेल भी एक एक्सपीरियंस रही। हम सब कुलीग्स आज, और भी कुलीग्स आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे जिनके साथ डिस्कशंस हो रही हैं कि वाई पी सी। मैं जेल में रहा 6 महीने सजाद साहब के साथ, मुझे और पर फिर इनको घर शिफ्ट किया गया तो मुझे पीएसए लग गया, फिर दूसरा पीएसए लग गया, फिर और परसों 2 महीने और रहा जेल। जेल में मैंने एक बंदे को डिस्कवर किया, अपने इस कायद को, अपने इस लीडर को डिस्कवर किया, ए वेरी प्रैक्टिकल मैन, दिस इज बिफोर मैन, वेरी प्रैक्टिकल मैन, वेरी सिंसियर। मैं आर्टिकुलेट तो ये हैं ही, आर्टिकुलेट तो बहुत लोग हैं, मैं वो नहीं कहूँगा, मगर जो कई बातें मैं कभी आपसे शेयर करूँगा, जेल में इन्होंने हम साथियों के साथ की, शायद वो आहिस्ता आहिस्ता सच भी निकली। ये आपको मैं मुँह पे नहीं कहना चाहता था कि, मगर वो बातें बिल्कुल सही निकली कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसके बाद ये होगा। और सिंसियरिटी, अगर सिंसियरिटी इंसान में हो, इंसान बहुत आगे चल सकते हैं। और जो इनको आउट ऑफ बॉक्स मैंने कई, मतलब मैंने वो, मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता हूँ, वो तो आप पार्टी की पॉलिसी बनेगी
जो आउट ऑफ बॉक्स कई बातें, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस, कि वो चीज़ें जो हम दे सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। मुझे फख्र है आज इस नई टीम का हिस्सा बनते हुए। साउथ कश्मीर से शायद मैं पहला आदमी हूँ जो आज पीसी ज्वाइन कर रहा है। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में शुरू हुए, फिर दूसरे में चले गए, और उसके बाद अगर कोई बेटर ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ चले गए। मैं बहुत देख सकता हूँ। एक मिनट, नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं, एक सेकंड। एट टाइम्स यू, अब जब बात उठी है, एट टाइम्स यू मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो, from a left leaning publication to a right leaning, don't you? Common thing, ek minute, aapka agar main jawab pura karne, agar pura de jawab main bata dunga sir main bata dunga aapko, ek minute. No, it's not employment, it's growth. aapki apni growth hoti hai, aap badh jate hain. jahan 20 saal pehle the aaj wahan nahi hai, jahan main apne 20 saal tha aaj wahan nahi hu. so agar isko growth dono taraf se ho sakti hai, to main koshish karunga ki hum sab jitne bhi log hain हम इकट्ठे ग्रो हो जाएं, ताकि इकट्ठे चलें और कोई और चेंज ना करना पड़े, वो दुआ करता हूं। बट ग्रोथ इज ऑलवेज देयर। आपने कहा कि विशाल साहब ने कहा कि वी डोंट वांट टू डिवाइड द वोट, सो इज ऑल द आर ऑल द पॉलिसीज कंसंट्रेटेड ऑन द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस, एंड हैव वी लेफ्ट बैक व्हाटएवर द मैसेजेस वर टेकन? नोबडी हैज लेफ्ट एनीथिंग। लुक, आई विल टेल यू वन थिंग, प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर, लेट मी स्पीक, डोंट पुट वर्ड्स इनटू आवर माउथ। एज आई टोल्ड यू राइट फ्रॉम डे वन दैट दिस इज प्राइमरली, I don't want to take the glory away from our three leaders, right? If I don't talk about anything, if I don't say my name is not, if I don't say my name is Sajjad, doesn't mean that my name is not Sajjad, kyunki maine bola nahi, right? So don't expect me to go into a discourse on politics of Kashmir. I am what I am. Main jail se jab bahar aaya, jo maine bola wahi hai. Lekin aaj sirf aur sirf ye teen hamare Khurshid sahab hain. Aap kuch bolna chahein? Go yaar, khush uslubi se. Well, I will tell you one thing. हम अपनी तरफ से नेते खलू से सब कट्ठे आ रहे हैं। ये हम हमारे भाई हैं, मतलब आप, I have a very good relationship बोल। Let us focus on joining. Article 370 can be restored in two institutions. Either the judicial institution, which is the Supreme Court, or the political institution, which is the Parliament. We have filed. We were among the first ones to challenge 370 in court. That is the Supreme Court. That's a long process. The other is the People of India Court, which is the Parliament. Iske alawa koi aur jadoo ki chhadi hai nahi. Let us stop lying. Either Parliament or court or nowhere else. Court, vakil dekh lega. Parliament, you have to engage with the people of India. You cannot possibly even dream of getting Article 370 back by not engaging with the people of India. You have to engage with them. The ball is in their court. They will decide whether you get it back or not. And we have to tell this to our people ki inke haath mein. Jitna aap negative bolenge, jitna aap unko irritate karoge, utna aap confirm karte ho ki ye wapas nahi aayega. Jitna aap unke saath engagement karte ho, misunderstandings clear karte ho, jo hamare bare mein ek image banayi gayi hai, usko clear karte ho, utna you are going to win the sympathy of those people. Because we have seen in parliament, even Congress ke parliament members, they voted against us. So I would say healthy engagement, removing all bottlenecks of miscommunication, engaging with them. Because engagement, you can't afford to disengage with Delhi. And by Delhi I mean the people of India, I mean the union government, I mean the opposition. Abhi hame itna time hua chode hue. रियलिटी ये, वी ऑल फेल्ड आर पीपल। हम में से तो कोई गया नहीं, किसी से बात ही नहीं की है, ना रूलिंग पार्टी से की है, ना अपोजिशन से की है, किसी एक से भी बात नहीं की है। तो मुझे लगता है कि स्कोप बहुत है, स्पेस बहुत है, वी कैन डू थिंग्स डिफरेंटली, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। निकलने के जो वजूहात बने वो मैंने मुदल्लल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तंजीमी मामलात पर मेरे इख्तलाफात रहे, क़यादत बीडीपी की क़यादत का मैं आज भी मशकूर हूँ कि जो उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। लेकिन जब किसी तंजीम में रह के इंसान को लगे कि मेरी बात पे इज़्ज़त नहीं हो रही है, मेरी बात चल नहीं रही है, तंजीमी मामला मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, मैंने समझा कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या मैं लॉबिंग शुरू करूँ, या मैं अपने महबूबा जी के बारे में गलत बातें करूँ, या छोड़ दूँ। तो आई टुक द अनदर वे
कि मैंने छोड़ दी। और उसके बाद मैं उन तमाम पार्टियों का मशकूर हूँ जिन्होंने जो रियासत जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और मुझे अप्रोच किया कि उनके अपने साथ मिलाने के लिए। आई थैंक देम ऑल थ्रू योर मीडियम। मेरा ज़ाती फैसला वेइंग ऑल थिंग्स, मुझे लगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक पुरानी पार्टी है, 33-34 साल पुरानी पार्टी है, मैन्युफैक्चर्ड पार्टी नहीं है। इसकी एक हिस्ट्री है, इसके पास जो लीडरशिप है, क़यादत जो है, एक नौजवान कायद के हाथों में है। और उसके साथ इंडिया के एक नौजवान कायद के साथ में, इसके साथ बेग साहब जैसे, इमरान साहब जैसे फाजिल लोग जो इसके पार्टी के साथ है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी में जाकर जो मैं छोटा सा कार्यकर्ता होने की हैसियत से जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो इस पार्टी में कर सकता हूँ। एंड आई अशर थ्रू योर मीडियम टू द पार्टी लीडरशिप, पर्टिकुलरली सजाद साहब, बेग साहब, कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इस पार्टी को वाइब्रेंट करने में और लोगों को इस पार्टी के सही मफहूम को पहुँचाने तक मैं अपनी पूरी शब्द मत से काम करूँगा। बात ही की जब PAGD बहुत सारी पार्टियों की बनी, उनका एक एजेंडा था, ठीक, और उस वक्त हम शायद हाउस एरेस्ट थे, मैं भी उस वक्त हाउस एरेस्ट था, उसके बाद कोविड में था मैं, 15-16 दिन, 2 महीने लगे उसके साथ, फिर इलेक्शंस आ गए, DDC इलेक्शन, तो PAGD ने डिसाइड कर लिया कि वो इलेक्शन इसलिए लड़ेंगे कि वो लोगों से कहेंगे कि PAGD कैंडिडेट को वोट दे दो, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या BJP को ये बता दें कि जो आपने 5 अगस्त को किया है वो गलत हुआ और हम उसे नाराज़ हैं, ठीक। इसी वजह से इलेक्शंस में PAGD ने हिस्सा ले लिया और अल्लाह ताला का शुक्र है और लोगों का भी शुक्र है कि लोगों ने PAGD के कैंडिडेट्स को जिताया और मोहर लगी, यानी लोगों ने भी बता दिया कि जी हाँ जनाब हम नाराज़ हैं। उसके बाद PAGD का ये रोल बनता था कि वो आगे जाकर एक रोड मैप तश्कील देते और ये बताते लोगों को कि हम आगे इस डगर पर कैसे चलेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए मैंने कोई 3 महीने पहले इंटरव्यू में सवाल पूछा कि लोगों को बता दीजिए कि रोड मैप है या नहीं है, अगर नहीं है ये भी बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सच बोलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उस एतबार से आई विश देम गुड लक, मुझे कोई, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो नाकाम हो जाएं, बट मुझे लगता है कि उस एतबार से वो कामयाब नहीं हुए, इसीलिए शायद मैंने सोचा। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन में जाना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला कर लिया कि MPs नहीं जाएंगे, उनकी अपनी राय है नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाके तर्जुमानी करना लाजमी था क्योंकि वो MPs थे, इसलिए सियासी एतबार से, ज़ाती एतबार से मेरा मुझे उनका रिस्पेक्ट भी है और मुझे कोई गिला नहीं उनसे, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। लेकिन सियासी एतबार से जब आपको लगता है कि आप कहीं सही डगर पे नहीं जा रहे हैं, तो आपका जहन आपको मजबूर करता है, आपका ज़मीर आपको मजबूर करता है कि आप कोई फैसला लें अपने हक में, ताकि आप शिफ्ट हो जाएं। उस एतबार से मुझे लगा कि पार्टी बनाने के ख़िलाफ़ हूँ, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं पार्टी बनाने के ख़िलाफ़ हूँ, कि वोट बटने के ख़िलाफ़ हूँ मैं ज़बरदस्त। तो हमें लगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म है, लेट अस गिव इट ए चांस। एक 40 साल की पुरानी जमात है, अगर इकट्ठे मिल के, तकरीबन सारे हम उम्र हैं हम, और इकट्ठे मिल के अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये कोई अल्लाह ताला तकब्बुर से निजात दे, अल्लाह ताला की को मांगते हुए, उसे रुजू करते हुए, कि अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम खुश हो जाएंगे। यही वजह है कि आज हम यहाँ पे हैं। हमें लगा, मुझे लगा कि ये बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं पार्टी बनाने के ख़िलाफ़ हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। तो फिर आपको कहीं ना कहीं देखना है कि कहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे सारे नौजवान हैं, एक हम उम्र है, शायद हम मिलजुल कर जहन को मिला के कोई ऐसी बात कर सके जिसे लोगों को राहत मिले, या सियासी तो राहत मिले, नीयत हमारी साफ है, कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में, उम्मीद करते हैं कि लोग भी सपोर्ट करें। नॉट एट ऑल, ये पॉसिबल, ये लगा कि एक तो ये कि ये एक एग्जिस्टिंग जमात है, चलो नई बनाने से पहले कोशिश करेंगे कि इसको और मजबूत, इस प्लेटफॉर्म पर रहें। दूसरा, मैंने ये भी कहा कि जब मुझे बहुत अजियतों का सामना करना पड़ा एज़ मिनिस्टर, जो मैंने कुछ काम किए, उस वक्त सजाद साहब ने मुझे हमदर्दी जताई और मुझे सहारा दिया, साथ दिया, इसलिए उनको भी लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो इनके एहसास की भी तर्जुमानी है। तो वहाँ पे हम सेम पेज पे हैं, और सियासी तौर पे सेम पेज पे होना शायद अच्छा है। देखिए, PSC 40 साल पुरानी पार्टी है, ये कल नहीं बनी है ये, और मैंने आपको कहा जेल में आई हैव फाउंड, मैंने डिस्कवर किया एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मतलब नेट खुलूस वाला बंदा, दैट इज़ द मेन रीज़न, जिसको मैंने फहम फरासत भी, अक्ल भी, और थोड़ा विजन, मतलब बड़े विजन की बात मैंने कही आपको, कि विजन भी देखा।
फर्स्ट थिंग आई हैव नॉट फॉट एनी ऑफ माय टू ब्लॉक्स. मैंने मुझे नहीं मिला पीएचडी का उस टाइम टिकट, तो मैंने फाइट ही नहीं किया, न मैंने किसी को उठाया, ऐसा कुछ नहीं है मुझे. मगर पीएचडी आज रही ही नहीं है, उन्होंने खुद उसको दफन किया, कहा कुछ और किया कुछ और, यही उनको तो है ना, दिल में कुछ और है, जबान पे कुछ और है. मतलब जो उनको खुद भी पता है उन लीडरों को कि ये नहीं होने वाली ये चीज़ें, तब भी चर्च के लिए वो कहते हैं वो बातें. क्या हुआ मुझे बताइए, खुद हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने ही लोग खुद ही प्रॉक्सीज उठाई, जहाँ पीडीपी को उठाया एनसी ने उठाया, जहाँ एनसी को वहाँ पीडीपी ने उठाया, वहाँ मतलब किसने नहीं उठाया. मतलब हमारे ज़िले में तो सब जगह ये तो एक दूसरे के मंडेट एक को दिया, उसी का दूसरा मुहिम भी चलाई उन्होंने. मतलब ये तो हुआ, प्रेस को तो सब कुछ पता होना चाहिए, इसमें तो मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है. मेरे फ्यूचर की बात नहीं है, लोगों के फ्यूचर की बात, बात मेरी नहीं है. मेरा फ्यूचर कहीं भी, फिर मैं बीजेपी में जाता, फिर मैं फ्यूचर तो वहाँ ज़्यादा अच्छा है, फिर मैं किसी और जगह जाता जहाँ अभी चार गाड़ियाँ मुझे मिलती, बीपी गाड़ी मिलती. मिलने को तो अगर मैं वो करना चाहता था तो फिर तो ठीक था फिर. मगर यहाँ जाके मैंने आपको कहा, आई हैव फाउंड कि किसी शख्स में यहाँ कुछ है आउट ऑफ बॉक्स भी. उस रास्ते मतलब आगे चलेंगे हम, आजकल डिस्कशंस कर रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 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 कि वो चीज़ हम अचीव करेंगे जिसकी लोग तमन्ना. देखिए ये मुनहसर है कि एतमाद कितने लोगों का किस लीडर को है, ये एतमाद की बात. ये बात है कि लोग किसको, देखिए अगर मुझे आप पूछेंगे, आज एक ही लीडर है जिसको अपने 1-1.5 लाख वोट वहाँ मौजूद है, और मुझे बताए जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं रही है. बड़े नेताओं की मैं बात करूँ, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं रही है. मैंने कहा मैं सबसे पहला आदमी जिसने पीसी ज्वाइन की, और आने वाले दिनों में एक महीने के बाद मेरे साथ बात करें, 1.5 महीने के बाद मेरे साथ बात करें, साउथ विल बी फुल विद पीसी. जिन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, पहले ही मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और अपनी तरफ से शुक्रिया उनको अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि ताकि वो भी हमारे साथ इस जो तहरीक है, जो हमारी कारवान ऑफ चेंज है, उसमें वो मिले. और जो आपका ये कहना है कि कुछ दिन चुप करके थे, और ये तो देखिए वक्त हर एक चीज़ का होता है, वक्त से पहले कुछ होता नहीं. अगर आपको याद होगा जिस दिन ये जो 5 अगस्त का सिलसिला हुआ, उस दिन तकरीबन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, मुझे लगता है 99% पॉलिटिशियंस, उनको नज़रबंद किया गया था. और अब आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर आ रहे हैं और आपस में हमारी बातचीत हो रही है, और इसी बातचीत का जो ये फल है कि आज हमारे साथ ज्वाइनिंग होगी, आगे भी आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग हो जाएंगी. और जैसा हमारे कायद ने, हमारे प्रेसिडेंट ने आप सब लोगों को कहा कि एंगेजमेंट करना है, सेंटर से एंगेजमेंट करना है, सेंटर की गवर्नमेंट से एंगेजमेंट करना है, जो अपोजिशन है उनसे एंगेजमेंट करना है, और बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, उनके साथ एंगेजमेंट करके हम अपना पक्ष रखेंगे, और बाकी तो जो 370 का मामला है वो सब जुड़े से बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंसड लोग हैं. ये तो एक बहुत ही बड़ा एडिशन है हमारे लिए, और हम इन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को इख्तियार किया अपनी पार्टी के हिसाब से.